छात्रों, ये दूसरा चैप्टर है। कल सूरदास जी का जीवन परिचय भेजा था, वो आपने कर लिया होगा। अब इनकी व्याख्या समझो। पहला है विनय शीर्षक, यानी कि वही प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यखंड के विनय नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी है। कायदा वही लिखना जो मैंने पहले भी भेजा था, पहले कठिन शब्दार्थ, फिर संदार्थ, फिर प्रसंग। इसमें प्रभु से भगवान प्रार्थना, मतलब प्रभु से मनुष्य प्रार्थना कर रहा है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। व्याख्या समझो। अब कई राख लेओ भगवान, हउ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारद सादे बान, ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दू भांति दुख भयो, आन यह कौन उवारे प्राण, सुमरत ही अहि डस्यौ पारधी, कर छुट्यौ संधान, सूरदासर लग्यौ सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं, हे भगवान, अब की बार मेरी रक्षा करो। मैं जीवात्मा रूपी अनाथ पक्षी एक द्रुमडरिया वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ, पारधी साधेवन, और माया रूपी शिकारी, पारधी माने शिकारी, ने मुझ पर बाण साध रखा है। ताके डर में भाज्यो चाहत, जिसके डर से मैं ऊपर भागना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर अहंकार रूपी सचान माने बाज मंडरा रहा है, मुझे मारने के लिए अहंकार रूपी बाज मंडरा रहा है। दू भांति दुख भयो, आन यह कौन उबारे प्राण, हे प्रभु, मुझे दोनों ओर से दुख ने घेर लिया है। नीचे जाता हूँ शिकारी बाण चलाता है, ऊपर जाता हूँ तो बाज मंडरा रहा है, अब मेरे प्राणों को कौन बचाएगा। सुमरत ही अई डस्यो पारधी, कर छुट्यो संधान। जब उस भगवान को मैंने याद किया तो ज्ञान रूपी सर्प, अही माने सर्प, ने माय रूपी शिकारी को डस लिया। कर छुट्यो संधान, जो उसके हाथ से वो बाण छूट गया, संधान माने बाण छूट गया। अंत में सूरदास जी कहते हैं, सर लग्यौ सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। अंत में सूरदास जी कहते हैं, वे बाण किसके जाकर लग गया, जो ऊपर अहंकार रूपी बाज मंडरा रहा था, सचा नहीं बाज, वह बाण अहंकार रूपी बाज के सिर में जाकर लग गया। मुझे हे प्रभु दोनों ओर से बचा लिया, हे कृपा के निधान, तुम्हारी सदा ही जय हो। नेक्स्ट, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावई, जैसे उड़ जहाज को पंछी, फिर जहाज पई आवई, कमल नैन को छाड़ महातम, और देव को ध्यावई, परम गंग को छाड़ प्यासो, दुर्मति कूप खनावई, जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावई, सूरदास प्रभु काम धैनु तज, छेरी कौन दुहावई। पहले सूक्तियाँ भी आती थी, तो जैसे कामधेनु तज छेरी कौन दुहावई, हमारी सूक्ति है, जैसे कामधेनु गाय को छोड़कर छेरी माने बकरी को कौन दुहावे, अर्थात उसका दूध कौन काढ़े। तो आगे देखो, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा मन आपको छोड़कर अन्य कहाँ सुख पा सकता है। जैसे उड़ जहाज को पंछी, जिस प्रकार से पानी के जहाज पर एक पक्षी बैठा हुआ हो और फिर उसे कुछ इच्छा हो कि कुछ चाहूँ, फिर वो उड़ जाता है चाहे ना मैं, लेकिन चारों तरफ फिर माने घूम घूम कर चारों तरफ देखता है कि पानी ही पानी है, फिर लौट कर कहाँ जाता है, जहाज पर आवे, फिर लौट कर फिर जहाज पर ही आ जाता है। कमल नैन को छाड़ महातम, और देव को धावई, ऐसी मैं कमल के नेत्र के समान कृष्ण भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं को क्यों ध्याऊं, अर्थात उनका ध्यान क्यों करूं। परम गंग को छाड़ प्यासो, यानी कि चारों तरफ घूम लेंगे, संसार में घूम लेंगे, लेकिन जाना तो हमें प्रभु के पास ही है।
दुर्मति जिसकी बुरी बुद्धि होगी और प्यास से दुखी होगा, लेकिन जिसकी बुद्धि बुरी होगी वही पवित्र गंगा को छोड़कर कुएं को खुदवाएगा, तब पानी पिएगा। जिसकी बुद्धि काम नहीं कर रही होगी। जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो, मधुकर माने भौंरा, जिस भौंरे ने अंबुज रस कमल के रस को चख लिया हो, क्यों करील फल भावी, उसे कड़वा फल क्यों अच्छा लगेगा। करील माने कड़वा, भावी माने अच्छा, उसे कड़वा फल क्यों अच्छा लगेगा। ऐसी हमने अन्य देवताओं को क्यों ध्याएं, जब हमने कृष्ण भगवान को अपने साक्षात रूप में देख रखा है तो अन्य देवताओं को हम क्यों ध्यान में रखें। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। अंत में सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, जिसको सब कुछ इच्छा पूरी करने वाली गाय मिल गई हो, सब कामनाओं को पूरी करने वाली गाय है जिसके पास में, तज माने उसे छोड़कर छेरी बकरी को कौन दुहाएगा, अर्थात बकरी का दूध किसको अच्छा लगेगा। तो वही आपको करना है, इसमें फिर काव्य का सौंदर्य भी करना है, भाषा है और शैलियाँ हैं और गुण हैं, ये सब मैंने 5-6 हेडिंग लिख के दिए थे, रस छंद अलंकार, ये सब काव्य सौंदर्य में करने, और दोनों ही करने, दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट।